हाय गाइस, आज जो हम लेसन करने वाले हैं वो है बिगनर स्टूडेंट्स के लिए, और जो अभी अभी गिटार बजाना सीखे हैं, थोड़ा सा ही अभी आया है, तो उनको सिर्फ थोड़ी सी समझ हो और वो कहीं पर गाना चाहते हैं, अभी दिल करता है गाने के लिए लेकिन अभी कोड शिफ्ट नहीं कर पा रहे और स्ट्रमिंग पैटर्न का इतना पता नहीं है, ये लेसन उनके लिए है। तो वैसे आप कोड चेंज कीजिए, शिफ्ट कीजिए, स्ट्रमिंग पैटर्न प्रॉपर में आप गा सकते हैं इनको, लेकिन ये अभी आप सीख रहे हैं तो आपको अभी नहीं गाना आ रहा है, तो इस उसके लिए मैं लेसन दे रहा हूँ। सिर्फ ये आप सी कोड को पकड़ेंगे सिर्फ, और सी कोड पे ही पूरे गाने 8 चला देंगे हम। वैसे तो इसमें शिफ्टिंग होती है, वैसे शिफ्टिंग करना सीखिए, रुकना नहीं है कि शिफ्टिंग करना रोक देना है। अगर नहीं है, अभी नया नया है, तो फिर उसके लिए बता रहा हूँ आपको। तो स्टॉक क्या करेंगे, पिक का यूज नहीं करेंगे हम, ये जो बीच की दो फिंगर्स है ना, इन इसके जो नेल्स हैं, नेल्स को ऐसे करेंगे, देखो एक ध्यान रखेंगे कि जो गैप है वो बिल्कुल सेम हो, बीट तभी बनेगी, ताल तभी बनेगी। पांचों पे देना है, पांचों पे स्ट्रोक करनी है, पांचों स्ट्रिंग्स है ना उन पे, जो सिक्स पे नहीं करनी, सिक्स पे ना तो ऐसे ही आवाज आएगी, ये आवाज नहीं हिलानी है तो मेलोडी खराब हो जाएगी। आपको सिर्फ फाइव स्ट्रिंग पे या एक पे म्यूट कर लीजिए, थंब से इसको म्यूट कर लीजिए, तेरे जैसे ही किसी के लिए।
से आप गिटार का मजा ले सकते हैं, नया नया गिटार बजाना सीखा है, कोर्ड शिफ्टिंग नहीं हो रहे हैं, तो आप एक कॉन्फिडेंस के लिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए गिटार बजाना बजाना चाहते हैं, सॉन्ग गाना चाहते हैं, तो आवाज़ मिलाकर सी कोर्ड से आवाज़ मिला लें और आराम से गा सकते हैं। और अगर शिफ्टिंग करनी हो तो शिफ्टिंग के लिए ये सॉन्ग ले लीजिए, सॉन्ग बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, जो आठों के आठों सॉन्ग्स हैं, इसके साथ और भी आप ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा मैशअप बना के अच्छी सी परफॉर्मेंस कहीं भी दे सकते हैं। और शिफ्टिंग आपको आती है तो उसके लिए आप ये सॉन्ग यूज कर सकते हैं। तो शिफ्टिंग के लिए तो आप अगर स्ट्रमिंग पैटर्न यूज कर सकते हैं तो कुछ भी है, तो बढ़िया से गिटार प्ले करेंगे। जैसे यही सॉन्ग जो मैंने गाया है, इसको अगर शिफ्टिंग में करना है तो फिर तो यही ऐसे ही होगा। अच्छा तो ये है कि आप शिफ्ट करना सीखिए, स्ट्रमिंग पैटर्न सीखिए और गिटार के साथ, म्यूजिक के साथ हमेशा जुड़े रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।